सच्ची सर बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर पिछले साल का ट्रेंड हम रिपीट कर रहे हैं तो चार दिन कंटिन्यूस तेजी आएगी, 9% इंडेक्स चढ़ सकता है अगर पिछले साल रिपीट हो रहा है तो, क्योंकि बाकी की सारी चीजें देखिए 50 डीएमए में ब्रीच हुआ, आरएसआई की वैल्यू सेम है, पिछले दिन फर्क इतना ही है कि चार दिन कंटिन्यूस लोअर लोज बने थे, इस बार तीन दिन लोअर लोज बनने के बाद डोजी बनी, पिछले साल चार दिन बनने के बाद डोजी बनी है, गिरावट का आज दिन आखिरी हो सकता है। थी मेरे बारे में बात और जो बड़ी सही थी कि आपने कहा था 200 पॉइंट ऊपर से नीचे और 200 पॉइंट नीचे रिवर्सल जब तक नहीं आता नहीं है, तो अनिल जी मेरे को तभी ये लगेगा अगर यहां से 200 पॉइंट निफ्टी का रिवर्सल आएगा मैं तभी लूंगा, नहीं तो नीचे का तो अनिल जी कोई मतलब फिर मैं बोल देता हूं अनिल जी 17100 के नीचे तो 16600 और 16600 के नीचे 15000 भी है, तो जब तक 17300-400 के ऊपर नहीं जाता अनिल जी हम तब ले लेंगे, क्योंकि वो जब गिरते हुए अगेन वो इज अ वेरी कॉमन वर्ड कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ, हम अगर उसको करते रहेंगे तो अनिल जी इससे नीचे गया इससे नीचे गया जब तक वो रिवर्सल आएगा तो मुझे ये आखिर पहले वाले 200-300 पॉइंट चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। तो अनिल जी मैं तो बोल रहा हूं मैं तो सच में विशफुल हूं होपफुल हूं और प्रे भी करता हूं कि थोड़ी सी रिवर्सल आ जाए लोगों को एग्जिट मिल जाए, नहीं तो अनिल जी बहुत बड़ी बड़े लॉसेस खड़े हो गए हैं और सारा कमाया हुआ जा रहा है, तो मुझे उस चीज का वो है। तो ये जो है कि पक्की तेजी आएगी अनिल जी मुझे ऐसा लगता ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। हाँ 200 पॉइंट के बाद आप कहेंगे कि अब आप मेरे साथ हैं तो शायद मैं आपके साथ कोई बात नहीं, आप 200 पॉइंट बाद में, लेकिन आशीष सर अगर अगर धन से ना करे तन मन से तो सपोर्ट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, हाँ, बस ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी मैं तो क्या कहा होप विश प्रे भी डाल दिया मैंने आज तो। एक बड़ी गिरावट के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आज बाजार में था, जैसे कि कमजोर ग्लोबल मार्केट, यहां शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोरी रही तो ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर थे। फिर आपके अपने ट्रिगर्स जो दो तरीके के होते हैं, एक तो डेटा और चार्ट्स पर और दूसरा आंकड़ों में जो एफआईज और घरेलू फंड्स के होते हैं। तो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर बरकरार है, लगातार है, शुक्रवार को भी दबाकर बेचारे पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज की तरफ से तेज बिकवाली हो रही। अब आइए डेटा में, चार्ट्स पर बाजार कमजोर है ही, शुक्रवार को 17,750 के नीचे की क्लोजिंग बाजार में नीचे का रास्ता खोलती हुई दिखी है, तो प्रेशर है। फिर आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं, लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी हुई है, तेजी की पोजीशंस हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बाजार ऊपर आए तो हम निकलें, तो वहां से भी प्रेशर है। इन सब के चलते बाजार की कमजोर शुरुआत होना लगभग तय था और एसजेएक्स निफ्टी वैसी कमजोरी दिखा भी रहा था, लेकिन फिर भी हम उतने कमजोर खुले नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो आप विश्वास नहीं करेंगे हरे निशान में खुले थे, और क्यों? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स सुबह से 200-250 पॉइंट ऊपर थे, तो डाउ फ्यूचर्स की वजह से ऐसा लगा कि शायद उतना खराब सेशन ना हो, लेकिन सुस्त हल्की कमजोरी के साथ खुलने के बाद जो बाजार में धीमे धीमे दबाव बनना शुरू हुआ उसके बाद देखिए पहला घंटा डेढ़ घंटा छोड़ दें उसके बाद लगातार एफआईएस की बिकवाली एक के बाद एक होती रही। अब आज इतनी बड़ी बिकवाली हुई और जो चौतरफा बिकवाली का माहौल था कि सुबह कोई सोच नहीं सकता था कि हम 17,000 का लेवल भी तोड़ देंगे, उस तरह की बिकवाली 600 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी में होना कोई आम बात नहीं है। तो क्यों बाजार इतना तेजी से गिरा, उसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो है कि तरह तरह की अफवाहें चल रही है बाजार में कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा, या स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे रहे, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, कुछ न कुछ बड़े टैक्स लग जाएंगे बजट में और वो परेशान करेंगे। मतलब वो किसी का बेस नहीं है, खाली अंदाज लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो डर के मारे, या कई बार होता है ना गिरने के बाद लोग कारण ढूंढते हैं, ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये था कि लोग सोचे कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका भी कूद रहा है और कुछ मामला बिगड़ सकता है, तो दुनिया भर में थोड़ा सा वो सिचुएशन खराब हो सकती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, उससे अमेरिका भी गिरेगा हम भी गिरेंगे सब गिरेंगे तनाव रहेगा, ये दूसरा कारण है। ये तो दोनों बाहर के, अब जो बाजार के अंदर के कारण है उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत और जो वाकई में नजर आती है वो ये कि पहली चीज तो है कि घरेलू फंड खरीद नहीं रहे कोई बड़ा, लोकल ट्रेडर्स ऑलरेडी खरीद खरीद कर फंसे हुए हैं, अब ऊपर से एफआईएस की जो बिकवाली है, अब एफआईएस को बेचना है तो खरीदे कौन, और जब एफआईएस बेचना शुरू करते हैं तो आजकल क्या होता है मशीन ट्रेडिंग बहुत होती है, लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं और उस पर बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाए तो मेरा खरीद लेना, इस लेवल के नीचे जाए तो मेरा बेच देना, तो समझिए किसी ने ये प्रोग्राम लिखा कि 17,500 के नीचे जाती मेरी निफ्टी आपको बेचना है, अब कोई बायर नहीं है, 17,500 पे आपने बेचना शुरू किया, 25-50 पॉइंट तुरंत गिर गया और नए कॉल ट्रिगर हुए, प्लस जिनकी पहले से तेजी की पोजीशन खड़ी है उनके मार्क टू मार्केट लॉस आ रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है, लीवरेज पोजीशन अगर एफएनओ में खड़ी है तो ब्रोकर आपसे मार्जिन मांग रहा है, अब वो नहीं है तो आपको भी बेचना है, आपको भी बेचना है प्रोग्राम ट्रेडिंग के हिसाब से, मशीन ट्रेडिंग के हिसाब से जो ट्रेड्स हो रहे हैं उनको भी बेचना है, और खरीदना किसी को है नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर एकदम शार्प फॉल, और आज एग्जैक्टली वही होता दिखा
किसी भी लेवल पर निफ्टी ने ढंगदांग का सपोर्ट लिया ही नहीं, आखिरी आधे घंटे को छोड़ दे तो हल्की फुल्की रिकवरी आई 17,000 के लेवल से 150-200 पॉइंट की निफ्टी में, और बैंक निफ्टी निचले स्तर 500-700 पॉइंट थोड़ा सा नीचे से बढ़ा है, वो एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दो कारण आप मानकर चल सकते हैं, एक तो ये कि जो अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थी उनकी वजह से बाजार गिरा, दूसरी चीज ये कि लोगों को मार्जिन कॉल पोजीशन कम करना और मशीन ट्रेड्स की वजह से एक के बाद एक सेल कॉल ट्रिगर होना, इन सब के चलते बाजारों में आज बेहद खराब सेशन दिखा।